गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होना बाकी रह जा रही है। लेकिन जो नई चीजें सामने आ रही है वो ये है कि गैंगस्टर को मारने से पहले जो सुंदर महतो उर्फ रितेश यादव धनबाद जेल पहुंचा था, उसके पीछे की भी एक कहानी है। कहानी यह है कि उसे अमन ने जेलर को मारने के लिए कहा था और उस परिस्थिति में वह भय से, प्रशासनिक भय से उसने इसे काम को करने से इनकार कर दिया। तब जेल के अंदर बंद जो गांधी सतीश और उस गांधी है और एक जो बजरंगी है विकास बजरंगी, दोनों ने ही उस पर दबाव बनाया और उसकी बात आशीष रंजन से कराई और कहा कि अमन को ही वो मार दे, और उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया और अमन को ही उसने टपका डाला। तो पूरे मामले में कई तरह की बातें चल रही हैं, कई तरह की चर्चाएं हो रही है, लेकिन इतना जरूर है कि उसके जेल जाने के पीछे एक बड़ी कहीं ना कहीं प्लानिंग की गई थी और जेल में हथियार पहुंचाने के पीछे भी एक बड़ी प्लानिंग थी, एक बड़ा जो कहीं ना कहीं एक साजिश रची गई। उस साजिश में कहीं ना कहीं जेल प्रशासन उसे डिटेक्ट करने में असफल रहा, जिसकी वजह से हथियार जेल के अंदर पहुंच गई और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। और घटना के बाद अब तक जेलर भी निलंबित हो चुके हैं। कल की अगर बात करें तो सोमवार को जेल अधीक्षक को भी निलंबित कर दिया गया। इस मामले में 7 जो जेल कर्मी है वो भी फिलहाल सेवा से बाहर कर दिए गए हैं और कहीं ना कहीं इस मामले में कई अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जो आशंका है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एक और अपडेट हम अपने दर्शकों को बता दें कि पूरे मामले में दो जो अन्य इस मामले में अहम किरदार निभाने वाले हैं, जो हथियार छुपाने में शामिल रहा, जिसमें कि सतीश उर्फ गांधी और विकास बजरंगी, ये दोनों ही अपराधी जो है, इन लोगों को फिर से पुलिस ने रिमांड पर लेने के लिए आवेदन किया है और आज कितने दिनों का रिमांड पुलिस को मिलती है ये तमाम चीजें देखने वाली बात होंगी। और कहीं ना कहीं पूरे मामले में जो अन्य जगहों पर जो छापेमारी चल रही है, बताया जा रहा है कि नेपाल में रहकर आशीष रंजन यहाँ से के जो गैंग है उसको संचालित करने का काम कर रहा है और फिलहाल वह नेपाल भागा हुआ है। तो पुलिस, धनबाद पुलिस जो है वो भी लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है और जाहिर सी बात है कि जो सरकार ने भी अब SIT गठन की बात कही है, सरकार को आदेश मिला है हाईकोर्ट से कि जल्द से जल्द SIT का गठन करके उसके बारे में जांच रिपोर्ट जो है वो सुपुर्द करे और जनवरी के अगले सप्ताह ही उसकी जो सुनवाई होनी है। तो तमाम जो चीजें हैं वो आने वाले वक्त में बहुत जल्द साफ होती दिखेंगी, लेकिन फिलहाल जो जेल में हथियार कैसे पहुंचा और किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं अभी भी एक परत बाकी है जिसे अभी उतारना या उठाना मुश्किल काम होगा। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज 22 स्कोप, धनबाद। हर्ष रिजन से फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC एंड नॉन AC रूम्स, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स, होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।